आईपीएल 2020 का 38वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया और इस मुकाबले को किंग्स इलेवन पंजाब ने 5 विकेट से जीत लिया है और इसी जीत के साथ पंजाब 7वें से 5वें नंबर पर आ गया है और वहीं दिल्ली को 10 मैचों में तीसरी हार मिली है। वहीं अगर पहली पारी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रनों का स्कोर खड़ा किया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ ने 7 रन, शिखर धवन 106, श्रेयस अय्यर 14, ऋषभ पंत 14, स्टोइनिस 9 और हेटमेयर ने 10 रन बनाए। वहीं जवाब में 164 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब के खिलाड़ियों ने 5 विकेट रहते ही इस मैच को जीत लिया। वहीं अगर पंजाब की बल्लेबाजी की बात करें तो केएल राहुल 15, मयंक अग्रवाल 5, क्रिस गेल 29, निकोलस पूरन 53, ग्लेन मैक्सवेल 32, दीपक हुड्डा 15 और जेम्स ने 10 रन बनाए। वहीं पंजाब की ओर से निकोलस पूरन काफी किफायती बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 53 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।